पॉर्न स्टार के साथ सामने आई क्रिकेट के नए सुपरस्टार की तस्वीर। हॉट मॉडल ने दे डाला प्यार का प्रपोजल। मैदान पर बल्ले से प्रहार के बाद ये क्या गोल खिला रहे रिंकू सिंह। क्या आप शादी से पहले ही डबल धमाल करने का है प्लान। रिंकू सिंह की संघर्ष गाथा तो आपने सुनी होगी, अब सुनिए स्टार बनने के बाद की वो कहानी जो अभी तक किसी ने नहीं बताई। आईपीएल के बाद फिल्मों में कदम रखने की तैयारी भी शुरू। पैसा आते ही बदलने लगा मौसम। रिंकू सिंह, जी हाँ, इस नाम से अब दुनिया का हर क्रिकेट को चाहने वाला परिचित हो चुका है। एक साथ 5 छक्के जड़ते ही रिंकू सिंह को वो शोहरत मिल गई है जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स को भी नहीं मिल पाती। क्या हिंदुस्तान, क्या पाकिस्तान, रिंकू को चाहने वाले 7 समंदर पार से भी सामने आने लगे हैं। एक ओर रिंकू की संघर्ष की गाथाएं छाई हुई हैं, तो दूसरी ओर अब एक नई तस्वीर सामने आई है जिसने तहलका मचा दिया है। एक एडल्ट फिल्मों की हॉट एक्ट्रेस के साथ रिंकू सिंह का रिलेशन जोड़ा जा रहा है, जिसके बाद से तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। खुद इस एक्ट्रेस ने रिंकू सिंह के साथ अपनी तस्वीरें साझा करते हुए सनसनी फैलाई। इसके साथ ही रिंकू सिंह की फिल्मों और टीवी विज्ञापनों में एंट्री की खबरें भी सामने आ रही हैं। मतलब साफ है कि जैसे ही आईपीएल का ये सीजन खत्म होगा, रिंकू सिंह टीवी और सिनेमा की दुनिया में आते ही पैसों की बारिश के बीच नहाना शुरू कर देंगे। आइए पहले एक्ट्रेस के साथ सामने आए प्रेम मोहब्बत के मामले की बात करते हैं और फिर बताते हैं कि कैसे रिंकू सिंह बॉलीवुड में भी एंट्री करने वाले हैं। रिंकू सिंह की खास पारी के बाद ऐसी वैसी फिल्मों की पॉपुलर स्टार केंड्रा लस्ट ने खुलेआम प्यार का इजहार कर दिया है। केंड्रा लस्ट ने अपने ट्विटर अकाउंट पर रिंकू सिंह के साथ अपनी एक एडिटेड तस्वीर साझा की और केकेआर के बल्लेबाज को अपना रिंकू द किंग बता दिया। केंड्रा लस्ट का ये ट्वीट तुरंत वायरल हो गया और एक भारतीय उपयोगकर्ता ने उन्हें आईपीएल देखने के लिए भारत आने के लिए कहा, जिस पर वयस्क फिल्म स्टार ने जवाब दिया, मजेदार होगा। ट्वीट ने कई ट्रोल्स को भी आकर्षित किया, जिससे ट्विटर पर मेम फेस्ट शुरू हो गया। रिंकू सिंह एकमात्र भारतीय क्रिकेटर नहीं है जिन्होंने लोकप्रिय पॉर्न स्टार का ध्यान अपनी ओर खींचा है। केंड्रा लस्ट भी भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की प्रशंसक हैं और वो जल्द ही उनसे मिलने की उम्मीद करती हैं। लस्ट ने कई मौकों पर गुजरात टाइटंस के स्टार के बारे में भी पोस्ट साझा की है, लेकिन इस बार सुर्खियों में केकेआर के बल्लेबाज रिंकू सिंह हैं। जब लोगों ने इस पोस्ट और तस्वीर को लेकर रिंकू सिंह से सवाल किए तो उन्होंने कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया और ऐसी बात की जैसे वे केंड्रा लस्ट के बारे में जानते ही नहीं। दूसरी ओर रिंकू सिंह की 5 छक्कों वाली पारी के बाद देश में एक नया प्रोपोगेंडा भी गढ़ा जाने लगा है। केकेआर के कोच चंद्रकांत पंडित, जो घरेलू क्रिकेट में सबसे सफल कोच माने जाते हैं, उन्होंने कहा है कि अपने 43 सालों के करियर में उन्होंने ऐसा कोई चमत्कार नहीं देखा। वहीं रिंकू सिंह की इस पारी पर अली सोहराब जैसे कुछ सोशल मीडिया पर छाए पत्रकारों ने प्रोपोगेंडा भी शुरू कर दिया है। अली सोहराब ने ट्वीट किया और लिखा, रिंकू सिंह के पास जब बैट खरीदने के पैसे नहीं थे तब क्रिकेट किट दिलाई मोहम्मद जीशान ने, कोचिंग के पैसे नहीं थे तो फ्री में कोचिंग दी मसून अमीन ने, मौका दिया शाहरुख खान ने, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कुछ वर्षों बाद रिंकू सिंह इस्लाम और मुस्लिमों के खिलाफ ट्वीट करता हुआ मिलेगा। आप सोच रहे होंगे कि ये ट्वीट में लिखी गई बातें सच होंगी, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। अली सोहराब ने एक के बाद एक झूठ बोलकर प्रोपेगेंडा तो फैला दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर पकड़ा गया। रिंकू सिंह के बारे में बता दें कि वो उत्तर प्रदेश की तरफ से डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते रहे हैं। रिंकू सिंह न सिर्फ बाएं हाथ के उम्दा बल्लेबाज हैं, बल्कि एक ऑफ स्पिनर भी हैं। अंडर 16, अंडर 19 और अंडर 23 में उन्हें उत्तर प्रदेश की तरफ से मौका दिया गया। उत्तर प्रदेश की तरफ से ही उन्हें लिस्ट ए खेलने का भी मौका मिला। इसीलिए ये कहना कि उन्हें मौका नहीं मिला या उनके पास खेलने को बैट तक नहीं है, ये पूरी तरह से झूठ है। खैर, इन विवादों को छोड़ दें तो एक अच्छी खबर भी रिंकू सिंह का इंतजार कर रही है और वो ये है कि कई कंपनियां रिंकू सिंह को अपने एड कैंपेन का हिस्सा बनाने के लिए तैयार हैं। आईपीएल सीजन के बाद रिंकू सिंह कई प्रोजेक्ट साइन कर सकते हैं। साथ ही क्रिकेट और बॉलीवुड कनेक्शन को देखते हुए कई लोग ये भी कह रहे हैं कि रिंकू जल्द ही फिल्मों की ओर भी रुख कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।